खुशी के साथ देखते रहिए खबर पर नजर और इंदौर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए। भाई ताइवान देश की सबसे बड़ी बिल्डिंग के अंदर हूँ मैं, और उस बड़ी बिल्डिंग के अंदर ना एक गोला है। वो गोला देखकर आप भी चौंक जाएंगे, आपको भी शायद ही नहीं पता होगा मेरे ख्याल से 99% लोगों को कि वो गोला किस काम में आता है, वो गोला क्यों बिल्डिंग की छत के ऊपर रखा हुआ है। मतलब जो 89वीं मंजिल है उसके ऊपर ये गोला रखा हुआ है। मैं आपको वो गोला दिखाऊंगा भाई, ये देखो आप खुद हैरान रह जाएंगे। पेज को पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हम ताइवान देश की सबसे ऊंची बिल्डिंग वहां पर है। ये देखो ये है वो गोला, और ये गोला हल्का नहीं है, इसका वजन टनों में है, 600 टन से भी ऊंचा ज्यादा इसका वजन है। और ये 89वीं मंजिल के ऊपर रखा हुआ है, और इसको रस्सों से बांध रखा, आप यहां देखेंगे, ये देखें, चार कोनर से चारों तरफ से बंधा हुआ है, ये देखो। और ये हैवी कंक्रीट से बना हुआ बहुत बड़ा गोला है, इसका साइज आप देखेंगे कितना बड़ा साइज है, ये देखो पूरी एक मंजिल तक कम से कम इसकी हाइट होगी शायद 20 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई होगी, ये देखो। और चौड़ाई भी लगभग इसके 20 फीट के आसपास इसकी चौड़ाई भी होगी, इतना लंबा चौड़ा है इसके ये गोला है। इसको सस्पेंसल पे रखा है, देखो सस्पेंसल इस पे लगा रखे हैं पूरे, ये देखो ऊपर देखेंगे इसके कुछ इस तरह दिखाई देगा भाई, ये देखो। और ये यहाँ नहीं है, जितने भी हाईएस्ट बिल्डिंग होते हैं बहुत सारे बिल्डिंग में छुपा के रखते हैं, लेकिन यहाँ रखा है ओपन है इसको। छुपाने के पीछे क्या कारण है और ये दिखाया क्यों गया है, ये देखो दिख रहे हैं पूरे सस्पेंशन सिस्टम पूरा। ये कोई शौकिया नहीं है, मतलब कोई खिलौना नहीं है, कोई दिखाने के लिए कोई एग्जीबिशन नहीं है ये, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। इतनी बड़ी बिल्डिंग, क्योंकि ताइवान के अंदर बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं, बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं, समझो कि महीने में कई सारे भूकंप ताइवान के अंदर आते रहते हैं। तो भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग 109 मंजिल, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग रही है कि 2006 से बुर्ज खलीफा से पहले यही सबसे बड़ी बिल्डिंग थी ताइवान की पूरी दुनिया के। ये देखो इसके पीछे रीजन है भाई, भूकंप को ये कंट्रोल करते हैं, भूकंप को रोकते हैं। मैं कुछ इसके पीछे रोजी दिखाता हूँ, देखो बहुत सारे बिल्डिंग से पहले से इसके बारे में लिखा हुआ, इसको डैम्पर बोलते हैं इंग्लिश में। देखो आप वीडियो को पॉज करके इसको देख पढ़ भी सकते हैं आराम से, मैं थोड़ा इसके बाद में इसको अच्छे से बताऊंगा आपको। इस तरह सस्पेंसर पे इसको फीचरिंग वर्ल्ड नोट बिल्डिंग फीचरिंग डैम्पर्स इस तरह से रोकते हैं। और ये दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रही हैं उनके अंदर भी इनको लगाया गया है। ये ट्विन टावर है मलेशिया की, वहाँ भी लगा रखा है। और यहाँ देखेंगे भाई ये USA की जो टावर है न्यूयॉर्क के अंदर, उसके अंदर भी लगा रखा है, 400 टन का इसका वजन रहा है। और ये देखो 452 मीटर जिसकी हाइट है ट्विन टावर की, उसके ऊपर लगाया गया। ये जापान की सबसे बड़ी टावर है 296 मीटर, उसके अंदर भी लगाया गया। ये देखो 600 टन का है इसके अंदर न्यूयॉर्क के अंदर, 72 बिल्डिंग के ऊपर, 72 नंबर के ऊपर फ्लोर के ऊपर रखा गया है इसको। ये देखो ये क्या करता है, जब भी भूकंप आता है भूकंप को कैंसिल करता है, मतलब भूकंप अवरोधी है ये। और हर बड़ी बिल्डिंग में आपको दिखाई देगा ये गोला भाई, जैसे भूकंप आएगा इसको भूकंप को रोकेगा, मतलब अपने हिसाब से इसको कंट्रोल करेगा, ऑब्जर्व करेगा, और उसके बाद ये इसको भूकंप को आगे बढ़ने से रोकता है, मतलब यहाँ इस बिल्डिंग पे असर होने से रोकता है। ये सस्पेंसल इस पे काम करते हैं पूरे के पूरे। ये देखो पूरा पूरा किस तरह से भाई। तो वीडियो को शेयर कर दो भाई, पेज को पहली बार देखें तो फॉलो कर दो, लाइक कर दो। बड़े बड़े लोहे के रस्से देखो, चार चार बड़ी बड़ी केबल्स भाई, इनके ऊपर इसको अदर पदर रखा है, मतलब टिकाने रखा है। क्या बात है,
इसके बारे में ऊपर भी जानकारी होगी, ऊपर मैं कुछ दिखाऊंगा जाके। हैप्पी रक्षाबंधन समय सिंह जी भाई, हैप्पी रक्षाबंधन सेम टू यू। ये देखो कुछ ऐसा दिखाई देगा। हरदीप सिंह भाई, मैं हूँ ताइपी ताइवान से। ये देखो रमेश मौजूद भाई, राम राम। अठासी मंजिल के ऊपर हम अभी, और 88 मंजिल के ऊपर रखा गया है इसको। ये देखो हैप्पी रक्षा, मनोज सीमा जी सबको हैप्पी रक्षाबंधन भाई। विवेक मिश्रा भाई राम राम। ये लो जी, जीतू कुमार जी, इस गोले को बना के ऊपर कैसे लेके होंगे ये तो नहीं पता भाई, ऊपर ही बनाया है या ऊपर लेके आए हैं इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते भाई। आप लोग लॉजिक देखना कैसे लेके आए होंगे इसके ऊपर भाई। किसी भाई को पता तो आप सभी कोई कमेंट करके बताना इस गोले को कैसे लेके आएंगे ऊपर भाई, या कैसे इसको रखा गया होगा, या इसको बना के उठाया है या उठा के बनाया है, कमेंट करके बताना भाई। अभी मैं लाइव को एंड करता हूँ भाई।